आपका चैनल मैथजोन और मैं हूँ शुभ्रु आपका होस्ट दोस्त और ट्यूटर। मैं आ गया हूँ अपने सेकंड वीडियो के साथ जो है इस टॉपिक पर जो है डिफरेंसेशन। पहले आपको जानना पड़ेगा कि हमारे मैथ्स में कैलकुलस नाम का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। उस टॉपिक में तीन चीज़ें मेनली कवर किया जाता है, वो है लिमिट्स, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। नाउ डेरिवेटिव्स कैलकुलस का बेस है और डेरिवेटिव्स को जिस टेक्निक से मेजर किया जाता है उस टेक्निक का नाम है डिफरेंशिएशन। अब डेरिवेटिव को जिस टेक्निक से रिवर्स मेजर किया जाता है उस टेक्निक को कहते हैं हम इंटीग्रेशन। और डेरिवेटिव्स का जो प्रिसाइड स्टेज यानी कि पहले का स्टेज जिससे एवोल्व होकर वो डेरिवेटिव्स बनता है वो है लिमिट्स। सो आइए आज हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक डिफरेंशिएशन से अपना वीडियो शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन के 8 बेसिक फॉर्म्स जो मुझे लगा इस समय जरूरी है न्यूमेरिकल्स करने के लिए वो है ये 8। आप देख ही पा रहे हैं। अब डेरिवेटिव्स एक अच्छे सिंबल से मेजर किया जाता है जिसे कहते हैं डी डी एक्स और डी बाई डी एक्स और डी डिवाइड बाई डी एक्स। सो पहला है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सेकेंड का डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो है कॉस एक्स। थर्ड वन डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो है माइनस साइन एक्स। जो चौथा है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स, यहाँ पे ई यहाँ पे बेस है और लॉग एक्स है। इसको कुछ किताब में हम दूसरे तरीके से भी लिखा देख सकते हैं जिसे बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। अब आप लोग घबराइएगा मत, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एल एक्स दोनों सेम है, उसका वैल्यू आता है 1 बाई एक्स। अब पांचवा जो है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का वैल्यू आता है sec स्क्वायर एक्स। अब आप लोगों को याद होगा ही मैंने अपने पिछले मैंने पहले वीडियो में बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के तीन बेसिक टर्म्स हैं और तीन एंटी बेसिक टर्म्स हैं, यानी कि जो तीन बेसिक टर्म्स हैं एवोल्व होकर रिवर्स हो जाते हैं। तो पहला बेसिक टर्म है साइन एक्स, उसका हम डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। दूसरा है कॉस एक्स, तीसरा है टेन एक्स। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के चौथा टर्म का फॉर्मूला निकालेंगे जो है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। अब आपको याद होगा ही सेक एक्स क्या है। sec x obviously हम उसे बोलते हैं रिवर्स ऑफ cos x। सो sec x रिवर्स ऑफ cos x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? उसका डेरिवेटिव होगा sec x tan x। इसके बाद आता है d by dx ऑफ cot x। cot x क्या है? cot x तो भाई रिवर्स ऑफ tan x है, वो तो इजी है, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा माइनस cosec स्क्वायर। इसके बाद लास्ट जो हमारे यहाँ पे आता है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। उसका डेरिवेटिव क्या होगा? कोसेक एक्स क्या है? वो रिवर्स ऑफ साइन एक्स है, क्योंकि कोसेक एक्स और टैन एक्स का रिवर्स निकल चुका है, तो बाकी क्या है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का रिवर्स होगा कोसेक एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये है हमारे 8 फॉर्मूले। अब हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, हम एक कांस्टेंट पकड़ लेंगे जिसको हम y नाम देंगे। तो y इज इक्वल टू, हम पहले सिंपल कुछ न्यूमेरिकल से देखते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 2 होल क्यूब बाय x। ये है हमारा फंक्शन या फिर y का वैल्यू। यहाँ पे हमें निकालना होगा y डैश। y डैश क्या है? यहाँ पे y डैश को हम डिफरेंशिएशन ऑफ y कहते हैं या फिर अलग तरीके से भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं।
y dash is equal to divide by dx is equal to d by dx of y. हम इसको y dash कहें, इसको dy by dx कहें, इसको d by dx कहें, या फिर d by dx of y कहें, चीज एक ही होता है. आप तीनों में से कोई भी देखिए, वो बात एक ही है. तो आपका चीज सही है. यहाँ पे x plus 2 होल क्यूब, ये किस फॉर्मूले में आता है? a plus b होल क्यूब में. तो a plus b होल क्यूब में यहाँ पे a होगा x, b होगा 2. तो यहाँ पे लिख दीजिए d by dx of y का वैल्यू लिख दीजिए x plus 2 होल क्यूब by x. अब इस तरीके से अगर हम करने जाएं तो ऑब्वियसली हमारा ये वैल्यू दो तरीके से आएगा. तो वो दो तरीके से हम वो दूसरा तरीका नहीं देखेंगे, पहले हम पहला तरीका देखेंगे जो इजी होगा, क्योंकि हमारा बेसिक फॉर्मूला अभी हम जानते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं जानते. तो अब हम सिंपल तरीके से पहले करेंगे. तो सिंपल तरीके से पहले हम इस चीज को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद अलग करेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे. तो देखिए कैसे होता है इसका डेरिवेटिव. डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. तो यहाँ पे होगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू टू होल स्क्वायर प्लस टू होल क्यूब बाय एक्स. अब अलग कर दीजिए एक्स क्यूब बाय एक्स प्लस कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दीजिए थ्री इंटू टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस थ्री इंटू टू स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स बाई एक्स प्लस टू क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स. अब इसको पहले हम काट के ठीक कर देते हैं. एक्स से एक्स क्यूब कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा सिर्फ एक्स रहेगा, और एक्स एक्स कट जाएगा तो वन रहेगा. तो डी बाय डी एक्स ऑफ वन सॉरी ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा इंटू थ्री टू सिक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ट्वेल्व डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दिपर वन. अब पहला ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स टू दिपर एन की फॉर्म में आप पकड़ लीजिए. तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है? दो है. तो फिर हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे टू एक्स इंटू टू माइनस वन, मतलब वन ही होगा तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस वन यहाँ पे आ गया, फिर एक्स आ जाएगा, फिर वन माइनस वन जीरो. अब एक्स टू दिपर जीरो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन देयर विल बी एक्स टू दिपर जीरो द वैल्यू ऑफ एक्स टू दिपर जीरो इज इक्वल टू वन एवरी टाइम, द वैल्यू ऑफ एक्स टू दिपर जीरो इज इक्वल टू वन. सो दैट्स व्हाई वी विल वन प्लस 12 इंटू, हमेशा याद रखिए डेरिवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो, डेरिवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो. सो ये हो गया जीरो प्लस 8 इंटू यहाँ पे माइनस वन है एन का वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस वन कर दीजिए, फिर एक्स माइनस वन क्योंकि एन माइनस वन तो एन माइनस वन है, फिर माइनस वन होगा इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन माइनस एट
x to the power minus 2 is equal to 2x plus 1 minus 8 by x square is equal to 1 plus 2 common 0 x minus 4 by x square. तो ये है हमारा सिंपल फॉर्म में इसका आंसर. तो देखिए कितना इजीली ये हो गया, हमें ज्यादा इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ा है. अब हम इसको, अब इतना तक आपको समझ में आ चुका होगा. अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी उस तरीके से हेल्प करूंगा. अब हम चल जाते हैं दूसरे न्यूमेरिकल. y is equal to 10x by 6x. पहले तो आप इसको तोड़ दीजिए, ये आएगा sin x by cos x by 1 by cos x is equal to 6 by cos x into cos x. तो पढ़ा क्या रहता है sin x. तो जब हमारा sin x पढ़ा रहता है तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, मतलब y dash. तो y dash is equal to dy by dx is equal to dy dx of y. अब तीनों में हम बोल रहे हैं एक ही है, अगर कुछ होगा नहीं तो डेरिवेटिव निकाल लीजिए. तो आपको निकालना क्या है, सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. तो प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. अरे क्या है, फॉर्मूला में तो दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स. तो आपका आंसर है कॉस एक्स. उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा. अब क्योंकि हमारा ये दूसरा वीडियो बहुत शॉर्ट टाइम का था, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है डेरिवेटिव का, तो शायद आपको ये अच्छा लगा होगा. कैसा लगा है आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में देख के लिख के बताइए. और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और तक, ताकि मैं आप और आपके सारे दोस्तों के सारे डाउट्स और जितने भी कंफ्यूजन और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और लिमिट्स और कैलकुलस लेके मैं सब कुछ दूर कर पाऊँ. थैंक यू.